नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। आज मैं आप लोगों के साथ छठ पूजा के दूसरे दिन के प्रसाद की रेसिपी शेयर कर रही हूं। छठ पूजा के दूसरे दिन गुड़ की खीर और घी वाली रोटियां बनाई जाती है। तो यहां पे हम सबसे पहले बना रहे हैं गुड़ वाली खीर। गुड़ वाली खीर बनाने के लिए मैंने दूध को गर्म होने के लिए डाल दिया था। अब इसमें वॉश करके हम चावल डाल देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि छठ में जो खीर बनाई जाती है गुड़ वाली, वो साठी के चावल की बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी शहरों में जो होता है साठी का चावल मिल नहीं पाता है। तो अगर नहीं मिले तो हम लोग अरवा चावल से ही जो गुड़ वाली खीर है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे चावल को मैंने दूध में डाल दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चावल को अच्छे से पका लेंगे। और जब चावल अच्छे से कुक हो जाएगी तो दूध की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहे तो आप उसको अच्छे से सुखा लीजिए। अब गुड़ को आपको क्या करना है कि हल्का सा पानी डालना है और अच्छे से इसमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इस गुड़ को आपको छान लेना है। उससे क्या होगा कि अगर गुड़ के अंदर थोड़ी सी भी गंदगी है तो छानने की वजह से ये यहाँ पे निकल जाएगी और आपकी जो खीर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। कभी कभी गुड़ जो होता है मार्केट वाला काफ़ी गंदा होता है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पे देखिए चावल हमारा कुक हो चुका है और खीर थोड़ी सी पतली लग रही है, तो हम इसको गैस के फ्लेम को हाई करके बिल्कुल गाढ़ी कर लेंगे। और इसमें मैंने डाला इलायची का पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग के लिए। गैस के फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है और दूध को यहाँ पे मैं बिल्कुल सुखा रही हूँ, क्योंकि गुड़ वाली जो खीर होती है थोड़ी सी मैं गाढ़ी ही बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होती है। और थोड़ी देर एक से दो मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारी खीर है काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और गाढ़ी होने के बाद मैंने इसे उतार लिया। उतारने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया, क्योंकि जब भी आप गुड़ डालें तो जब खीर आपकी है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तभी डालिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर गर्म खीर में आप यहाँ पर गुड़ को ऐड करेंगे तो खीर हमारी जो है वो फट सकती है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप गुड़ ऐड कीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके ऊपर थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स हम डाल करके गार्निश करेंगे। तो ये गुड़ वाली जो खीर है छठ स्पेशल, वो पूरी तरह से हम तैयार हो गए हो हमारी जो है तैयार हो गई है। और अब हम बना रहे हैं घी वाली रोटियाँ। तो यहाँ पे जो रोटियाँ बनाई जाती है, काफ़ी लोग प्लेन रोटी बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर से घी लगा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग तवे पे ही घी लगा लेते हैं। यहाँ पे रोटी को मैं बेल रही हूँ और इसके अंदर हल्का सा हम घी लगाएंगे, और गोल जिस तरह से पराठे बनाए जाते हैं ना, वो इस तरीके से यहाँ पे हम रोल करेंगे और इसको रोटियाँ बनाएंगे। रोटी ही बनाते हैं लेकिन अंदर हल्का सा घी लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि रोटियाँ काफ़ी सॉफ्ट बन करके तैयार होती है, क्योंकि इन जो रोटियाँ होती है और गुड़ की जो खीर होती है उससे न्यूज निकाला जाता है। तो जितना आपका सूप होता है ना उतना यहाँ पे आप केला के पत्ता पे न्यूज निकाला जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई आटे में लपेट लिया और अब इसको हम गोला गोला बेल लेंगे। तवे को मैंने गर्म होने के लिए डाल दिया था, तो तवे पे डाल करके इसको हमें सेक लेना है। तो इससे पहले भी मैंने कद्दू भात की थाली जो है अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं कि कद्दू भात में क्या क्या बनाया जाता है। और इसके अलावा मैं जो खरना का ब्लॉग है वो भी बहुत जल्द लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा ब्लॉग देखने के लिए। और कद्दू भात स्पेशल ब्लॉग मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए रोटी को मैंने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। इसके ऊपर हम घी लगा देंगे, क्योंकि रिफाइंड ऑयल नहीं लगाया जाता है। छठ का जो व्रत होता है उसमें घी का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हम घी ही लगा रहे हैं। और दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे। और सारी रोटियाँ इसी तरीके से तैयार की जाती है। फिर रोटियों को रखा जाता है, उसके ऊपर खीर रखा जाता है, केला रखा जाता है और फिर न्यूज निकाला जाता है। तो पहले क्या होता था, मिट्टी के जो चूल्हा होता है उस पर बनाया जाता था, लेकिन अब हम लोग गैस के चूल्हा पर ही बना लेते हैं। और इसी के साथ हमारी रेसिपी